उधर चैन स्नैचिंग के मामले में रोहतक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई आजकल इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर रोहतक पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। साल 2021 में रोहतक पुलिस ने चैन स्नैचिंग की 11 वारदातों का खुलासा करते हुए खूब वाहवाही लूटी थी और यहां शहर के अलग अलग थानों में चैन स्नैचिंग के आरोप में एक युवक पर 11 FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। आरोपी युवक सुनारिया जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। मामला रोहतक अदालत में विचाराधीन होने के चलते आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस की फसीहत देखने को मिली है। आपको बता दें, पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए नाराज जज ने शिवाजी कॉलोनी थाना के जांच अधिकारी उधम सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए। उधर आरोपी के वकील और आरोपी के परिजनों का कहना है कि करण को झूठा फंसाया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने अदालत से न्याय की मांग की है। पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। मेरे क्लाइंट हैं वो करण के एक ब्रदर, जिसकी डेथ 30 जुलाई 2020 को हुई है, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो जांच अधिकारी उधम सिंह ने जे, उन्होंने उसकी डेथ के बावजूद 6 महीने के बाद 13 जनवरी 2021 को उसको शामिल तफ्तीश कराया है, उसके साइन भी करा लिए हैं, जो मटेरियल मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इससे जज साहब ने कल, हमारे AS साहब ने उसके खिलाफ में उसको अरेस्ट कराया है, उसके खिलाफ में FIR दर्ज के और जो कानूनन कार्रवाई है उसके खिलाफ करने के निर्देश दिए हैं। बाकी भी सारा रिकॉर्ड है बाकी मुकदमों में भी, कि जिसके अनुसार उस बंदे के पास जितने मुकदमे हैं मेरे मुकिल पे, वो सारे झूठे हैं। और फिलहाल के लिए खबर की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।